हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटीवी किचन। आज मैं शेयर कर रही हूँ भरमा टिंडे की रेसिपी। भरमा टिंडे की रेसिपी बहुत इजी है बनाना, बहुत ही चटपटे और मसालेदार टिंडे रेडी होते हैं ये। आप इसे परांठे, चपाती, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है टिंडों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 8 से 10 टिंडे लिए हैं, इनको पील करके अच्छे से वॉश कर लिए। अब हम नाइफ से इसके बीच में कट पाएंगे क्रॉस शेप में। ये देखिए ऐसे, इस तरह से हमने इसमें स्टफिंग भरनी है। ये देखिए ऐसे ऐसे मैं सारे टिंडे रेडी कर लूँगी। ये देखिए सारे टिंडों को मैंने क्रॉस शेप में कट पा लिया है इसमें। अब एक बाउल लेंगे, नमक डाल देंगे इसमें, हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, अमचूर पाउडर डाल देंगे और भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सभी मसाले हमने स्टफ करने हैं टिंडों के अंदर। आप इन मसालों का मेजरमेंट अपनी सब्जी के हिसाब से कीजिएगा, जितनी आपकी सब्जी हो उस हिसाब से, क्योंकि मसालेदार सब्जी बनती है इसलिए इसे मसाला थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब हम टिंडों के अंदर ये मसाला स्टफ करेंगे। ये देखिए ऐसे, इसी तरह से दूसरी साइड खोल के भी हम इसमें स्टफ कर लेंगे। मैंने टिंडे की रेसिपी बहुत इजी वे में बताई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये देखिए भरमा टिंडे के लिए मैं सारे टिंडों को ऐसे स्टफ कर लूँगी मसाले के साथ। ये टिंडे हमारे रेडी हैं सारे, और ये जो मसाला बच गया इसे हम सब्जी में यूज़ करेंगे। अब कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। हींग डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, अच्छे से गरम कर लेंगे। अब इसमें अनियन डाल देंगे, अनियन को मैंने ऐसे स्लाइसेस में कट करा है। अदरक डाल देंगे, अदरक को भी मैंने लंबे स्लाइसेस में कट करा है। यहाँ पर मैंने 5 से 6 लाल और हरी मिर्च ली है। अब जो हमारा मसाला बच गया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने अनियन को बिल्कुल नहीं भूनना, बस सभी मसालों को मिक्स करना है इसमें। अनियन हमारा सब्जी के साथ ही भून जाएगा। अब जो हमने टिंडे रेडी करे थे स्टफ करके, ये भी इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे मैंने सारे भरमा टिंडे लगा दिए हैं कढ़ाई में। अब गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे हल्का सा स्टर कर लेंगे। ये देखिए ऐसे टिंडे हमारे पकना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं इस पर कलर आना शुरू हो गया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये चारों साइड से कुक हो जाए। अनियन भी हमारा पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। भरमा टिंडे की रेसिपी बहुत ही अच्छी रेडी होती है, बहुत चटपटे और मसालेदार टिंडे रेडी होते हैं ये। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मसाला भी हमारा भून गया है, टिंडे भी हमारे पक चुके हैं काफ़ी। एक बार इन्हें फिर से स्टर कर लेंगे क्योंकि हमने इन्हें चारों तरफ से पकाना है। इन्हें हल्के हाथ से ही हिलाएं। अब मैं इसे फिर से ढक के रख दूंगी 2 मिनट के लिए।
ये देखिए टिंडे हमारे पक चुके हैं, घी भी सेपरेट हो गया मसाले में से। अब मैं इस पर थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल रही हूँ, आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं गैस को ऑफ करके इसे 3 से 4 मिनट तक ढक के रख दूंगी। बाकी टिंडे जो है हमारे स्टीम में ही पक जाएंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद सब्जी हमारी रेडी है, आप देख सकते हैं टिंडे भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए टिंडों को मैंने सर्व कर लिया है प्लेट में, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इस पर, बहुत ही मसालेदार और चटपटी रेसिपी रेडी होती है ये। उम्मीद है आपको भरमा टिंडे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग MTV किचन।